Good evening, everyone. आई होप uh, आप सभी को स्क्रीन विजिबल है इसके साथ साथ आवाज़ जो है वो भी क्लियर है ओके okay, ओके okay. All clear. That is great. <coughs> Sorry. Okay. So welcome to this uh, series on world history through map and time timeline. और uh, आज है part eight. Last session जो था वो कल था और कल के session में हमने world war two के बारे में बात की। uh, Allied nations और Axis powers के बीच में जो ये world war two छिड़ा हमने जर्मनी के बारे में बात की कैसे वहाँ पे फासिज़म जो है वो डेवलप हुआ और कैसे लीग ऑफ नेशन जो है वो काफ़ी हद तक अपने प्रोमिसज जो है वो पूरे नहीं कर पाता वो फेल हो जाता है इटली में इटली के द्वारा जो अग्रेशन देखा गया अफ्रीका में या फिर जापान का अग्रेशन चाइना में या जर्मनी का एक अग्रेशन टूवर्ड्स ईस्ट पहले सुडांटन लैंड को कैप्चर करना फिर चिक्कोसोलोवाकिया को कैप्चर करना और लीग ऑफ नेशन का कोई भी स्टेप ना उठाना कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप ना उठाना काफ़ी हद तक वर्ल्ड वॉर टू का अंडरलाइन कॉज बनता है लेकिन हिटलर का पोलैंड पर जो अटैक था 1939 में एक सितंबर को वो इस वर्ल्ड वॉर टू को अंजाम देता है यहाँ हमने देखा कि कैसे ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही जर्मनी पर वर्ल्ड वॉर टू डिक्लेयर कर देते हैं और उसके बाद हमने ये भी देखा कि कैसे जर्मनी पहले सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न फ्रंट पे ही लड़ रहा था यहाँ पर क्योंकि ईस्टर्न फ्रंट की अगर बात करें तो वहाँ से सोवियत यूनियन के साथ नॉन अग्रेशन पैक्ट में वो शामिल हो चुका था तो रशिया किसी प्रकार का अटैक जर्मनी पर नहीं कर रहा था जर्मनी का पूरा फोकस वेस्टर्न फ्रंट पे था और फ्रांस को जर्मनी कैप्चर कर पाया फ्रांस ने अपने आप को सरेंडर कर दिया वहीं जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन जो है वो कंटिन्यूसली इस बैटल को फाइट करता रहा उन्होंने गिव अप नहीं किया जिसके कारणवश आप यहाँ पर देखोगे कि जर्मनी जो है वो अपना रुख बदलता है और वो रशिया पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है तो ये हमने देखा सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक किया स्टेलिन जो है वो कंटिन्यूसली आप देखोगे जैसे ही हिटलर ने अटैक करना शुरू किया रशिया पर बहुत सारे लोग मारे गए एक्चुअली और स्टेलिन जो है वो कंटीन्यूसली ब्रिटेन और फ्रांस को रिक्वेस्ट कर रहा था कि वेस्टर्न फ्रंट को ओपन करो अदरवाइज इसी तरह से हिटली हिटलर जो है वो रशिया पर अटैक करता रहेगा एंड फाइनली यू विल सी लास्ट में आखिर में हुआ ये कि ये जो वेस्टर्न फ्रंट है ये ओपन हुआ लेकिन तब तक काफ़ी देर भी हो गई थी रशिया में काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ आप देखोगे 1944 में जाकर यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस ने वेस्टर्न फ्रंट ओपन किया जर्मनी पर अटैक करना स्टार्ट किया और अब जर्मनी को दोनों फ्रंट से फाइट करना था और ये बैटल ऑफ नॉर्मेंडी कहलाती है इसको वर्ल्ड वॉर टू का डी डे भी माना जाता है क्योंकि इस बैटल ऑफ नॉर्मेंडी ने नॉर्मेंडी में जर्मनी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था कल के सेशन में हमने एक तरीके से अमेरिका और जापान कैसे इस वॉर में इन्वॉल्व हुआ उस पर डिस्कशन नहीं किया था एक्चुअल में जापान और अमेरिका जो है इनके बीच में जो इश्यूज हैं वो इस पर्टिकुलर पोर्ट से स्टार्ट होते हैं जो है पर्ल हार्बर ओके सो so, बेसिकली क्या होता है कि ये जो पर्ल हाबर है यहाँ पे तेल पाया जाता है और ये तेल जो है ये जापान भी लेता था जापान को बेसिकली इसकी इजाज़त थी कि वो यहाँ से तेल ले सकता है और इस तेल का इस्तेमाल वो नॉर्मली एयरक्राफ्ट में करते थे एक प्रकार से फ्यूल है ठीक है लेकिन यहाँ पे यूएस जो है उसके अंडर था ये पर्ल हार्बर और यूएस ने ही ये परमिशन दी हुई थी बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे सो बेसिकली वॉट हैपेंड हुआ ये कि एक तरीके से अमेरिका जो है ऑयल ये जो आ, एरिया आप देख रहे हैं पर्ल हार्बर आप देख रहे हैं हम यहाँ पे पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं तो एक तरीके से नॉर्थ साउथ अफ्रीका जो है वो पैसिफिक ओशियन के थ्रू ऑयल इंपोर्ट किया करते थे ठीक है पर्ल हार्बर से और जापान जो है एक तरह से यू विल फाइंड दिस थिंग कि वो भी यहाँ से तेल लिया करता था तेल जो है इट वाज क्वाइट इम्पोर्टेंट यहाँ पे एयरक्राफ्ट में उसकी उसका इस्तेमाल होता था अब हुआ क्या कि ये पर्ल हार्बर अमेरिका के अंडर था अमेरिका ने क्या किया अमेरिका ने यहाँ पे जापान को जो परमिशन दी गई थी यहाँ से ऑयल लेने की उसको बंद कर दिया उन्होंने कहा कि जापान अलाउड नहीं है यहाँ से ऑयल लेने के लिए तो एक ऑयल ब्लॉकेट जो है वो जापान के ऊपर लगा दिया गया जापान को क्या लगा कि शायद अमेरिका वर्ल्ड वॉर टू में एंटर होने की तैयारी कर रहा है और ऑयल ब्लॉकेट लगाकर हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है मिलिट्रीली ताकि वो हम पर अटैक कर सके ठीक है ये चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे जापान को ये लगा कि शायद अमेरिका जो है मिलिट्रीली हमें कमजोर करना चाहता है और कुछ समय के बाद शायद हम पर अटैक भी कर दे तो बेसिकली हुआ ये कि जापान ने फाइनली 1941 में ये जो पर्ल हार्बर था जहाँ से ये ऑयल लेकर जाते थे जो अमेरिका के अंडर था इसके ऊपर अटैक कर दिया और जैसे ही जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया वैसे ही यूएस जो है वो वॉर में एंटर हुआ जापान के अगेंस्ट तो कहानी कुछ इस प्रकार की है अग्रेसिव अटैक जो है वो जापान पर चलता रहा ठीक है देर इज वन आइलैंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये मिडवे आइलैंड यहाँ पर इनके बीच में कंटिन्यूसली अटैक चलता रहा 1944 में जर्मनी ने तो अपने आप को सरेंडर कर दिया लेकिन वहीं जब हम जापान की बात करते हैं तो जापान वाज नॉट रेडी टू सरेंडर वो यूएस के साथ कंटिन्यूसली अटैक करता रहा फाइनली 1945 में जाकर जब अमेरिका ने यहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया बॉम्ब फेंका एटमिक बॉम्ब यहां पर फेंका न्यूक्लियर अटैक नहीं था हम सॉरी यहाँ पे एटमिक बॉम्ब जब फेंका उसके बाद जाकर जामान जापान जो है उसने सरेंडर किया इस वर्ल्ड वॉर टू में और यहाँ वर्ल्ड वॉर टू खत्म होता है सो so, बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो जापान और अमेरिका थोड़ा लेट इसमें ज्वाइन करते हैं लेकिन युद्ध जो है वो इनके साथ ही खत्म हुआ और ये जो एटमिक बम फेंका गया था यूएस के द्वारा इस पर्टिकुलर डे को आज भी याद किया जाता है और भारत के इतिहास भारत के इतिहास में ही नहीं दुनिया के इतिहास में हर वो कोशिश की गई है इस पर्टिकुलर अटैक के बाद कि कोई भी दूसरी कंट्री किसी भी कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर अटैक या एटमिक बम जैसी चीज़ ना फेंके क्योंकि ये जो पर्टिकुलर अटैक था ये इतना निंदनीय है कि एक तरह से देखा जाए तो आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है यू विल सी दिस थिंग कि आज भी वो बच्चे जो हैं वो हेल्दी पैदा नहीं होते इतना भयंकर अटैक जो है वो यहाँ पर हुआ था ठीक है येस फैट बॉय एंड लिटल मैन ये बम फेंके गए थे यहाँ पर सो बेसिकली यू विल सी कि इसके साथ वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होता है और वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होने के बाद द पॉइंट इज ऑब्वियसली बात है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल है वर्ल्ड वॉर टू में ये समझ आ गया कि ये डिस्ट्रक्टिव है एंड इट इट किड इट कुड लीड टू एंड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन काफ़ी आराम से ह्यूमन सिविलाइजेशन का अंत किया जा सकता है न्यूक्लियर अटैक्स जो होता है तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसका जो इस्तेमाल है उसको रोकना होगा उसको यूज़ करने के कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने होंगे ये चीज़ वर्ल्ड वॉर टू में समझ आ गई थी इसके साथ साथ वर्ल्ड वॉर टू की एक कॉन्सिक्वेंसी ये भी थी जिसे हम डी कहते हैं बहुत सारे ऐसे देश थे जो यूरोपियन नेशंस के अंडर कॉलोनी बने हुए थे लेकिन यूरोपियन नेशंस को वर्ल्ड वॉर टू में ऐसा झटका लगा कि बहुत सारे कंट्रीज़ में पॉपुलर मूवमेंट्स हुए और उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की यूरोपियन इकनॉमीज़ की बात करें तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो गई और इसके वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और डिप्रेशन आ सकता था यूरोप में पर वो आया नहीं उसको बचा लिया गया तो वर्ल्ड वॉर टू एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट था इसने बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं उनकी इंडिपेंडेंस के लिए कैटलिस्ट का काम किया है लेकिन अब कहानी अलग होने वाली है अब सिचुएशन जो है वो बदलने वाली है द पॉइंट इज़ यहाँ पर क्या होगा एक तरीके से अगर देखा जाए तो यू विल फाइंड कि वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होने के बाद ऑब्वियसली बात है कि एक कॉन्फ्रेंस होगी जितने भी कंट्रीज वर्ल्ड वॉर टू में इन्वॉल्व थी वो सभी कंट्रीज़ जो हैं उनको आप आते हुए देखेंगे इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के अंदर और डिसाइड किया जाएगा किसको क्या सजा मिलेगी जैसा आपने वर्ल्ड वॉर वन के बाद देखा था ट्रिटी ऑफ वर्साई में ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस है ये 1945 में हो रही है और ये याल्टा एंड पोस्ट डैम कॉन्फ्रेंस है कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन फ्रांस और अमेरिका ने बुलाई और इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में यह ये तय ये किया जाना था कि जर्मनी का क्या हुआ क्योंकि तो जर्मनी जो है सबकी अपनी राय थी जर्मनी को लेकर अगर एक तरीके से जर्मनी के बारे में हम लोग बात करें तो मान लीजिए जर्मनी है तो जर्मनी जो है वो फिर से पनिशमेंट इसको मिलने वाली है एक प्रकार से लेकिन सबके अपने विचार हैं देखिए ध्यान से सुनिए अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन का कहना है कि हमें जर्मनी को पनिश नहीं करना चाहिए क्योंकि पिछली बार जब जर्मनी को पनिश किया था तो जर्मनी में एक मसीहा आ गया एक मसीहा ने पैदा पैदा हो गया और उसने यहाँ पर लोगों को होप्स दी प्रॉमिस किया कि जो ह्यूमिलिएशन हमने झेला हम उसका बदला लेंगे और लोगों ने उसको सपोर्ट किया इस बार जर्मनी जो है अगर हम उसकी बात करें और उसको पनिश करेंगे तो कुछ ऐसा ही वापस हो सकता है क्योंकि ह्यूमिलिएटेड जर्मन्स जो है वो वापस एक मसीहा की तलाश में निकल जाएंगे और क्या पता एक नया हिटलर जन्म ले लें तो बेहतर ये होगा कि जर्मनी को पनिश करने की बजाय हमें जर्मनी को हेल्प करनी चाहिए कि वो ग्रो करे डेमोक्रेटिक कंट्री बने कैपिटलिस्ट कंट्री इसके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टीज लगाने की बजाय हमें इसको मदद करनी चाहिए ऐसा ब्रिटेन का मानना था फ्रांस की अगर मैं बात फ्रांस जो है वो भी ब्रिटेन के साथ है काफी हद तक अगर देखा जाए लेकिन फ्रांस जर्मनी से वो जो पूरा राइन नदी के आसपास का फर्टाइल रीजन है उसको चाहता था और वो मिला भी अमेरिका जो है ये पर्टिकुलर कंट्री की अगर हम बात करें तो इनका भी यही मानना था कि हमें जर्मनी जो है उसमें थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए डेवलपमेंट जो है लानी चाहिए ताकि लोगों को जॉब मिले लोग जो है अपने लाइफ में बदलाव लाएं ऐसे मसीहा की तलाश में ना भागें जो कि उन्हीं की डेथ का कारण बन जाए तो ब्रिटेन फ्रांस और अमेरिका ये वो कंट्रीज हैं जो जर्मनी को लोन देने के लिए तैयार हैं। वो लोन प्रोवाइड करने के लिए तैयार है ताकि जर्मनी डेवलप करे ग्रो करे लेकिन दूसरी तरफ कौन है रशिया अब रशिया जो है उसको बहुत भारी नुकसान हुआ है रशिया ने वो धोखा सहा है है ना और रशिया में कौन है स्टेलिन साहब तो स्टेलिन ने क्या बोला स्टेलिन जर्मनी को पनिश करना चाहता था स्टेलिन ने सीधा बोला कि हम यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं लाएंगे जर्मनी को हम एक बफर स्टेट के तौर पर ट्रीट करेंगे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज और ईस्टर्न कॉम्युनिस्ट कंट्रीज के बीच में ठीक है बेसिकली द पॉइंट इज यहाँ पर ये एक बफर स्टेट बना रहेगा कुछ नहीं करेंगे हम जर्मनी का जर्मनी के वेस्ट में यहाँ पे डेमोक्रेसीज हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज़ हैं और जर्मनी के ईस्ट में कॉम्युनिस्ट कंट्री रशिया है तो इन दोनों के बीच में एक बफर स्टेट की तरह एक गैप की तरह ये रहेगा ताकि ये दोनों ही आइडियोलॉजीज जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट में ना आए ये चीज़ आप यहाँ पर होती हुई देखोगे तो वो किसी सल्यूशन पर निकल नहीं रहे थे और स्टेलिन का ये भी मानना था कि जर्मनी जो है वहाँ पे कॉम्युनिज्म लाना चाहिए कॉम्युनिस्ट आइडियाज़ लाने चाहिए तभी यहाँ के लोग जो है चीज़ों को समझ पाएंगे यहाँ पर वर्किंग क्लास जो है उसको बेटर करेंगे तभी जर्मनी जो है वो ग्रो कर सकता है तो अब कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन पर नहीं पहुँच रहे हैं तो इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में ये डिसीजन लिया गया कि हम जर्मनी को दो हिस्सों में बांट देंगे एक यहां पे ये वेस्टर्न जर्मनी और दूसरी तरफ ये ईस्टर्न जर्मनी है अब दो हिस्सों में जर्मनी को बांटने से क्या होगा ये जो वेस्टर्न जर्मनी है यहां पर ब्रिटेन फ्रांस और अमेरिका कैपिटलिज्म ग्रो करने की कोशिश करेंगे एक तरीके से यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पर जो सत्ता है उसको लोन प्रोवाइड करेंगे उसको डेवलप करेंगे वो जर्मनी को और ज़्यादा प्रॉस्पर बनाएंगे ब्रिटेन फ्रांस और रशिया रिकन्स्ट्रक्शन री में रीहेबिलियेशन में मदद करेंगे वेस्टर्न जर्मनी की वहीं जब हम ईस्टर्न जर्मनी की बात करते हैं ये ईस्टर्न जर्मनी स्टेलिन के हाथ में आ गई और स्टेलिन यहाँ पर क्या करेगा कॉम्युनिज्म लाएगा बिल्कुल सही यहाँ पे बर्लिन वॉल जो है वो बनने वाली है और जो बर्लिन है जर्मनी का कैपिटल उसके भी दो हिस्से हो गए एक वेस्टर्न बर्लिन और एक ईस्टर्न बर्लिन तो आप देखोगे कि जर्मनी के एक हिस्से में ग्रोथ है एक हिस्से में क्या है एक हिस्से में आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी रिहेबिलेशन हो रहा है धीरे धीरे करके वेस्टर्न जर्मनी जो है वो प्रॉस्पर होता चला जाएगा by 1948। व्हाट अबाउट ईस्ट बर्लिन इसका क्या तो आप जानते ही हैं कि जब भी यहाँ पे रशिया के लीडर्स ने कॉम्युनिज्म को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो बात यह है कि अगर मैं वेस्ट बर्लिन की बात करूं तो यहाँ के लोगों का जीवन जीने का तरीका बेटर होता जा रहा है फूड क्राइसिस खत्म हो गए लोन वगैरह जो भी ब्रिटेन और फ्रांस से मिले उसके थ्रू लेकिन ईस्ट जर्मनी जो है यहाँ पे कॉम्युनिज्म इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की स्टेलिन ने और फूड क्राइसिस की स्थिति और ज़्यादा बढ़ गई तो लोगों ने क्या किया ईस्ट जर्मनी में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया वो माइग्रेट करने लगे किस तरफ वेस्ट जर्मनी की तरफ और यहां पे स्टेलिन को समझ आया कि स्टेलिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से स्टेलिन की जो आइडियोलॉजी है वो क्या हो रही है स्टेलिन की जो आइडियोलॉजी है वो हार रही है कॉम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो हार रही है तो एक प्रकार से ये सारी चीजें आप यहां पर होती हुई देखेंगे ओके सो दिस इज समथिंग विच हैपेंड। उसने स्टेलिन ने इसका बदला लेने के लिए एक प्रकार का ब्लॉकेट जो है वो भी इस्टेब्लिश uh, किया ही एक्चुअली क्रिएटेड ब्लॉकेट जिसको बर्लिन ब्लॉकेट कहते हैं जो भी वेस्ट बर्लिन है उसको जो फूड प्रोवाइड किया जा रहा था ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से उस फूड को प्रोवाइड करने का जो तरीका था शिप्स के जरिए उन सबको ब्लॉक करने की कोशिश की स्टेलिन ने ठीक है दैट इज नोन एज बर्लिन इन एंड यू विल सी दिस थिंग कि ब्रिटेन और फ्रांस ने इस चीज को भी ओवरकम किया बेसिकली ब्रिटेन और फ्रांस ने एयर रूट का सहारा लिया और ये जो आपका वेस्ट जर्मनी है यहाँ पर लगभग ग्यारह महीने तक फूड पहुंचाया फूड पैकेट्स जो हैं वो हवा से गिरते थे तो ये चीज आप यहाँ देखेंगे एंड नाइनटीन फोर्टी में फाइनली स्टेलिन पीछे हट गया कि ये जो ब्लॉकेड है जो मैं पैदा कर रहा हूँ वेस्ट वर्ल्ड वेस्ट जर्मनी जो है उसमें फूड जो पहुँचाया जा रहा है ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से उसके प्रति जो ब्लॉकेट पैदा कर रहा हूँ वो तो काम नहीं आ रहा है तो बाद में स्टेलिन पीछे हट गया और वेस्ट जर्मनी जो है वो काफ़ी अच्छे से प्रॉस्पर तरीके से डेवलप होने लगा तो काफ़ी सारे लोग ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी माइग्रेट कर रहे थे ओके okay, ये चीज आप यहां पर देखेंगे स्टेलिन जो है अगर यहां सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो कहीं और सक्सेसफुल होने की कोशिश करेगा क्योंकि वो अपनी आइडियोलॉजी को हारने नहीं दे सकता ओके दैट इज द पॉइंट और इसी वजह से आपको 1945 के बाद दुनिया भर में वॉर होता हुआ देखने को मिलेगा लेकिन ये वॉर जो है इसमें बमबारी नहीं हो रही है इसमें सिपाही मर नहीं रहे हैं इसमें वेपन्स नहीं उठाए जा रहे हैं ये वॉर है आइडियोलॉजीज का वॉर ये वॉर कोल्ड वॉर है तो 1945 के बाद आपको कोल्ड वॉर एरा आता हुआ देखने को मिलेगा द थिंग इज द पॉइंट इज 1945 में ये शुरू होगा और लगभग 1990 तक ही चलेगा कोल्ड वॉर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है वॉट इट एक्चुअली मीन इसका मतलब क्या है ये आइडियोलॉजिकल वॉर है ये एक प्रकार का कन्फ्लिक्ट है वेस्टर्न कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसीज के बीच में जो यूएस लाना चाहता था और कम्युनिस्ट पावर्स के बीच में जो आपका रशिया में है तो बेसिकली अमेरिका और रशिया के बीच में ये कोल्ड वॉर होने वाला है कोई हथियार नहीं उठाएगा वो ये कोशिश करेंगे कि अभी डीकोलोनाइजेशन के वजह से जो नए नए देश आजाद हुए हैं वहां किसी ना किसी प्रकार से अपना इन्फ्लुएंस पैदा किया जाए दैट इज द आइडिया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोरिया आजाद हुआ वियतनाम है भारत है इन देशों में रशिया कोशिश करेगा कि कम्युनिज्म आए अमेरिका कोशिश करेगा कि ये कंट्रीज कैपिटलिस्ट बने ये कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसीज बने तो ये एग्जैक्टली exactly, विचारधाराओं की लड़ाई है ये ये आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है ये इसमें इसी वजह से इनको कोल्ड वॉर कहा गया है ठीक है नीचे ही नीचे बहुत ही ठंडे तरीके से युद्ध चलने वाला है अमेरिका है यूएसएसआर है ये प्रॉमिस कर रहे हैं ये ना नए नए पॉइंट सामने रख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूएस की बात करूँ तो यूएस वॉज रेडी टू प्रोवाइड लोन्स एड एंड असिस्टेंस उन कंट्रीज को जो कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज बनना चाहती हैं। अमेरिका के थर्टी थर्ड प्रेसिडेंट थे हैरी एस हैरी ट्रूमिन्रूमिन जो हैं, वो यहां पर इकोनॉमिक असिस्टेंस देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं मिलिट्री असिस्टेंस भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी के बदले जब मैं यूएसएसआर की बात करती हूँ तो स्टोलिन स्टेलिन जो है वो भी इसी तरह के प्रोमिस करते हैं कि मैं भी उन कंट्रीज को अपकमिंग कम्युनिस्ट कंट्रीज़ जो हैं उनको इकोनॉमिक असिस्टेंस देने के लिए रेडी हूँ तो ये विचारधाराओं का झगड़ा है और यही झगड़ा अब हम देखेंगे हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे हम कोरियन वॉर देखेंगे हम वियतनाम में वॉर होता हुआ देखेंगे बेसिकली बाहर से आने वाली ये जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल पावर्स हैं ये कोरिया वियतनाम जैसी कंट्रीज में सिविल वॉर जैसी स्थिति लाकर रख देती है ओके okay? तो लेट्स सी व्हाट ऑल हैपन कुछ उदाहरण देखते हैं यहाँ पे कोल्ड वॉर एरा जो है उसकी बात करते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले जो केस लेने वाले हैं वो है कोरिया का सबसे पहले हम यहाँ पर कोरिया के बारे में बात करने वाले हैं कि कोरिया में क्या हुआ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिकली देर आर वेरियस प्लान्स मार्शल प्लान मोल्टोव प्लान नाटो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं ठीक है एज आई टोल्ड यू ये जो uh, पूरा सेशन है uh, ये बस आपको एक ओवरव्यू एक तरीके से आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन देता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में उन प्लान्स को कवर नहीं कर रहे बट दीज वर सम ऑफ़ दी प्लान्स ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस्ड बाय यूएस एज वेल यू एस यूएसएसआर रिस्पेक्टिवली जो इकोनॉमिक और मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अपकमिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को ठीक है तो कोरियन वॉर की बात करें अगर हम अगर थोड़ा सा कोरिया के बारे में बात करें तो यू ऑल नो दिस थिंग कि 1905 में जब जापान यहाँ पे जापान में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है तो जापान ने एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया था और कोरिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था कोरिया के बाद उन्होंने मंचूरिया पर अटैक किया और फिर 1905 में रशिया के साथ भी युद्ध लड़ा था जिसमें रशिया को हरा दिया गया था ठीक है इस पर हम बात कर चुके हैं पहले अब क्या होता है अब यहाँ पर क्या चीज होने वाली है कोरिया में यहां कोरिया आजाद हुआ ऑब्वियसली जापान जब वर्ल्ड वॉर टू में सरेंडर करता है तो बहुत सारी कॉलोनीज को भी जापान फ्री कर देता है एंड वन ऑफ देम वाज कोरिया अब कोरिया नया नया देश है जो आजाद हुआ है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर यूएसए और आपका जो यूएसएसआर है ये दोनों ही क्या करने वाले हैं कोरिया पहुंच जाएंगे और कोरिया पहुंचकर अपना अपना इन्फ्लुएंस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे सो व्हाट हैपन हुआ क्या है यहाँ पे हम 1950 के दौर की बात कर रहे हैं 1950s के दौर की बात कर रहे हैं उस टाइम पर की उस टाइम तक स्थिति जो है वो थोड़ी सी गर्मा जाती है तो यूएस जो है वो कोरिया में अपनी जगह बनाना शुरू करता है यूएस का इंटरवेंशन जो है वो यहां कोरिया में स्टार्ट होता है यूएसए ने अपने एक मिलिट्री कमांडर को कोरिया भेजा जिसका नाम था एक मिनट पेन डॉगलिस मैकर्थर ये एक मिलिट्री कमांडर थे और इनको यहाँ पर भेजा गया था कि आप अपनी छोटी आर्मी यूनिट लेकर जाइए और उन कोरियंस की मदद कीजिए जो कि की कोरिया को कैपिटलिस्ट कंट्री के तौर पर सामने लेकर आना चाहते हैं अगर मैं कोरिया की बात करूँ तो कोरिया में आपको नॉर्थ कोरिया जो है वहाँ पर आपको कुछ लीडर्स मिलेंगे जो कि कोरिया को कम्युनिस्ट बनाना चाहते थे और उन लीडर्स को पूरा सपोर्ट मिल रहा था स्टेलिन की तरफ से ये किम शंग आई uh, होप आप काफ़ी क्लियरली हेयर स्टाइल से और फेस जो है उससे समझ रहे होंगे कि ये किन की फैमिली से हैं ओके यू नो दिस वेरी क्लियरली राइट सो बेसिकली द पॉइंट इज ये वन ऑफ द लीडर्स थे जो नॉर्थ कोरिया में कम्युनिस्ट आइडिया डेवलप करना चाहते थे और उनको पूरा पूरा सपोर्ट मिला यहाँ पे सोवियत यूनियन से ठीक है वहीं अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया में भी आपको कुछ ऐसे लीडर्स मिलेंगे जैसे कि शिंगमान री ये एक तरीके से क्या करना चाहते थे ये कोरिया में कैपिटलिज्म लाना चाहते थे और इनको अमेरिका का पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा था सो बेसिकली अमेरिका का जो सपोर्ट था वो थोड़ा सा और बढ़ा और अमेरिका ने यहाँ पर डॉगलस मैकर्थर को भेज दिया आर्मी यूनिट के साथ कि जाओ जाकर यहाँ पर उन सभी लीडर्स की मदद करो जो कि कैपिटलिस्ट बनाना चाहते हैं कंट्री को ठीक है सो बेसिकली वॉट हैपन यहाँ पर डॉगलस मैकर्थर अपनी आर्मी यूनिट के साथ आए और वो साउथ कोरिया के एक्सपेंशन को शुरू करते हैं एक्चुअल में जो कोरिया है उससे थर्टी एट्थ लाइन जो है आपने जोग्राफी में इसके बारे में पढ़ा होगा लाइन लॉन्गिट्यूड्स uh, और लैटिट्यूड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा जो थर्टी एट्थ पैरल लाइन है लाइन जो है लैटिट्यूड बेसिकली वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को काटता है ऑलमोस्ट बराबर यहाँ पर पूरे कोरिया को हाफ कट कर देता है ठीक है तो यहाँ पे साउथ कोरिया जो है वहां से डॉगलस मेकरथर अपनी आर्मी यूनिट के साथ यूएसएसआर की जो आर्मी है उसको धकेलना शुरू करते हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया में रशिया की आर्मी भी डिप्यूट कर दी गई थी यहाँ डॉगलस मेकरथर काफी कामयाब हुए वो रशिया की आर्मी को बहुत दूर तक धकेलने में कामयाब रहे लगभग पूरा ही नॉर्थ कोरिया यहाँ पर साउथ कोरियन इंफ्लुएंस में आ गया था और ये पूरा एरिया जो है वो पिंक हो गया था लेकिन आगे चाइना है ओके सिर्फ एक छोटी सी नदी यालू नदी है जो कि कोरिया और चाइना को अलग करती है मतलब उनके बीच में एक प्रकार से डिमार्केशन का काम कर रही है वो नदी तो डॉगलस मैकर्थर ने कहा कि बस अब हम फर्थर एक्सपेंशन नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने यालो रिवर को क्रॉस किया तो चाइना इस वॉर में एंटर हो जाएगा और फिर कोरिया का चाइना के साथ वॉर डिक्लेयर हो जाएगा बेसिकली फालतू में चाइना को क्यों छेड़ना है क्या दिक्कत है हमारा तो काम सिर्फ इतना था ना कि हमें नॉर्थ कोरिया जो है वहाँ से रशियन आर्मी को पीछे धकेलना था लेकिन साउथ कोरिया के कैपिटलिस्ट लीडर्स जो थे उन्होंने बोला नहीं नहीं चलने दो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं सो बेसिकली यहाँ पे यालू रिवर को जैसे ही डॉगलस मैकर्थर क्रॉस करते हैं उन्हें समझ आ जाता है कि अब गड़बड़ होने वाली है डोगलस मैकरथर अपनी सारी आर्मी यूनिट को लेके अमेरिका वापस चले जाते हैं कोरियंस को उनके हाल पर छोड़कर और जैसे ही यालू रिवर क्रॉस हुई चाइना जो है उसको चांस मिल गया और चाइना ने यहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया कोरिया में और उनकी आर्मी को पीछे धकेल दिया बेसिकली द पॉइंट इज ये जो फिलहाल आप मैप देख रहे हो ना ये एज इट इज बन गया वापस से ओके okay? सो so, ये पूरा पिंक हो गया था सक्सेसफुल हो गया था अमेरिका बेसिकली रशियन आर्मी को पीछे धकेलने में लेकिन यहाँ पे साउथ कोरिया में जो कैपिटलिस्ट लीडर्स थे वो यालो रिवर को क्रॉस करने के लिए भी रेडी हो गए और उसके वजह से चाइना इन्वॉल्व हो गया एंड चाइना ने फिर इनको धक्का मार मार के मार मार के वहीं पहुंचा दिया जहां पर ये थे सो बेसिकली चाइना जो है वहां पर भी पूरे पूरे चांसेस बन रहे थे कॉम्युनिस्ट आइडियोलॉजी स्प्रेड होने के आगे चलकर चाइना में माओ आएंगे जो कि कॉम्युनिस्ट आइडियाज लेकर आएंगे सो दैट इज वाई ये जो आप फिलहाल मैप देख रहे हैं ये मैप वापस से अपने इसी रूप में आ गया सो so, आज भी ये ऐसा ही है यू ऑल नो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों ही जगहों के लाइफस्टाइल में यू ऑल नो दिस थिंग वेरी क्लियरली एंड नॉर्थ कोरिया आज भी आ, ये जो सर हैं इनके जो सन ग्रैंडसन उन्हीं के अंडर है ठीक है और जब हम साउथ कोरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी आपको देखने को मिलती है ओके okay. तो एक तरीके से ये कोल्ड वॉर का एक आउटकम है जो आप देख सकते हैं यहाँ ठीक है कोरियंस को अगर अपने हाल पर छोड़ा जाता तो शायद वो अपने लिए एक बेहतर चयन करते लेकिन इस तरह से बाहरी इंटरवेंशन की वजह से यहाँ पर स्थिति जो है वो और ज़्यादा गर्मा गर्म हो गई एंड दिस लेड टू डिमार्केशन ऑफ कोरिया इनटू टू दैट इज़ नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया ऐसा ही कुछ वियतनाम में भी देखने को मिलता है सो so, वियतनाम जो है उसकी भी चर्चा कर ली जाए अब यहां पर आप देख सकते हैं वियतनाम ये रहा सेम स्टोरी है वियतनाम की भी कुछ ऐसा ही यहां पर भी हुआ वियतनाम जो है वो फ्रांस की कॉलोनी था बहुत लंबे टाइम तक फ्रेंच कॉलोनी था वो और वर्ल्ड वॉर टू में जो फ्रांस की स्थिति बनी है फ्रांस ने बहुत पहले सरेंडर कर दिया था वर्ल्ड वॉर टू में फ्रांस ने बहुत सारी अपनी कॉलोनीज़ को फ्री कर दिया पहले फ्रांस के साथ लड़ता रहा वियतनाम अपने आप को फ्री किया तो ये नया नया देश है जो आज़ाद हुआ है डी कॉलोनाइज हुआ है एंड ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर फिर से वही स्थिति पैदा होगी तो so, 1946 से 1954 के बीच में वियतनामीज फ्रेंच फोर्सेस के खिलाफ फाइट करते रहे ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था दिस पर्टिकुलर पीरियड दैट इज फेज वन लेकिन अब नेक्स्ट क्या हुआ अब नेक्स्ट सिचुएशन होने वाली है खराब वियतनाम फ्री हो गया अब वियतनाम जो है अगर उसकी बात करें तो उसमें ऐसे भी लीडर्स हैं जो कॉम्युनिस्ट हैं और कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जो वियतनाम में मिक वियतनाम में मिक्स्ड इकोनॉमी चाहते हैं कैपिटलिज्म जो है उसके जो आ, प्रोज या फिर पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनको यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं सो देर वॉज वन लीडर देर वॉज अ कॉम्युनिस्ट लीडर जिनका नाम है हो ची मिन ये उनकी पिक्चर है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये कॉम्युनिस्ट लीडर थे और ये वियतनाम को कम्युनिस्ट ही बनाना चाहते थे और इनको पीछे से सपोर्ट किसका मिल रहा था यूएसएसआर का रशिया का फुल सपोर्ट मिल रहा था हो ची मिन को कि आप आगे बढ़िए हम आपकी मदद करेंगे लेकिन देर वॉज अनदर लीडर नो दिन दिम ये डेमोक्रेटिक लीडर थे ये यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो आपको साउथ में देखने को मिलेंगे और ये डेमोक्रेसी लाना चाहते थे वियतनाम में ये किसी भी प्रकार से कम्युनिज्म जो है उसको यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे तो यहाँ जो नो दिन दिम है उनको फुल सपोर्ट किसकी तरफ से मिलता है उनको सपोर्ट मिलता है अमेरिका की तरफ से तो इस प्रकार से यू विल फाइंड कि एक तरीके से देखा जाए तो ये कोल्ड वॉर की जो स्थिति है यहां पर पैदा हो रही है इन्होंने डिसीजन ले लिया एक कॉन्फ्रेंस में कि हम वियतनाम जो है उसको दो हिस्सों में बांटेंगे एक नॉर्थ वियतनाम दूसरा साउथ वियतनाम नॉर्थ वियतनाम जो है वहां पर कॉम्युनिज्म आएगा साउथ वियतनाम में डेमोक्रेसी आएगी तो बेसिकली वियतनामीज ने अपने ही बीच में चीजों का सुलझाव कर लिया था समझौता कर लिया था लेकिन वियतनामीज के बीच में एक बार फिर से जो टेंशन क्रिएट हुई वो अमेरिकन्स और सोवियत यूनियन यानी रशिया जो है उसके इंटरवेंशन की वजह से थोड़ी टेंशन जो है वो और ज्यादा क्रिएट हो जाती है गर्मा गर्मी बढ़ जाती है एंड यू विल फाइंड दिस थिंग दैट इट एक्चुअली लेड टू प्रॉपर वॉर इस वॉर को आप सिविल वॉर कह सकते हो यूएस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था यहाँ पर पूरी तरह से यूएस जो है वो अपनी आर्मी भेजता है साउथ वियतनामीज की मदद करने के लिए बहुत सारे लोग मारे गए थे इसमें एक तरीके से देखा जाए तो ये वॉर जो है पहला टीवी वॉर कहलाता है टीवी वॉर क्यों कहलाता है क्योंकि पहली बार एक देखो वॉर पहले भी हुए हैं लेकिन उस टाइम तक टीवी टेलीविजन जो है उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी सॉरी नॉट डिस्कवरी उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था लेकिन इस समय तक आते आते टेलीविज़न जो है वो भी आने लगा और टेलीविज़न में पहली वॉर थी ये पहला वॉर ये सिविल वॉर आप वियतनाम में देख रहे हैं जिसको टेलीविज़न पर दे एक तरह से उसकी जो खबरें हैं वो काफ़ी क्लियरली दिखाई गई तो ये पहला टीवी वॉर भी माना जाता है तो यूएसए ने पूरा इसमें इन्वॉल्वमेंट रखा शुरू के फेज में और बहुत सारे लोग इसमें मारे भी गए पर हुआ ये कि यूएस की ही जो जनता है अगर हम उसकी बात करें तो यूएस की जनता वियतनाम में जो कैजुअलिटीज हो रही थी ना उसके प्रति भावुक हो गई सेंटिमेंटल हो गई उन्होंने कहा दिस इज रॉन्ग यूएसए जो है उसको कोई हक नहीं बनता कि वो किसी दूसरी छोटी कंट्री जो कि नई नई आजाद हुई है वहां पर जाकर इस प्रकार से उनकी पॉलिटी में इंटरवेन करे और उनके इंटरवेंशन की वजह से इतने सारे लोग मारे जाएं और जैसे ही ये सेंटिमेंट्स यहाँ पर यूएस की जनता के जो भी यहाँ पर लोग थे मर रहे थे उनके प्रति जागने लगे ये जो एंटी वॉर सेंटिमेंट्स यूएस में जागने लगे इसकी वजह से अमेरिका ने तय कर लिया कि अब हम किसी प्रकार का इंटरवेंशन इस वॉर में नहीं करेंगे ये वॉर जो है ना काफी खतरनाक था एक्चुअली इसमें ना केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल किया गया था किस प्रकार के केमिकल वेपन्स नापाम एजेंट ऑरेंज। इस टाइप के केमिकल वेपन्स जो हैं उनका इस्तेमाल इसमें किया गया था और बहुत सारे लोग इसमें मारे भी गए अगेन सेम थिंग तो ये पर्टिकुलर फेज जो है वो काफी खतरनाक रहा सेकेंड फेज लेकिन अमेरिका जो है उसने अपनी आर्मी इसको विदड्रॉ अपनी आर्मी की अगर हम बात करते हैं तो एक प्रकार से अपनी आर्मी जो है उसको विड्रॉ कर लिया सो so, इस तरह की स्थिति जो है वो आपको यहाँ होती हुई देखने को मिलती है यूएस ट्रूप्स जो हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे लेकिन बाद में उन्होंने उसको वापस ले लिया था तो ये सिचुएशन जो है वो पैदा होती रही अब अमेरिका में ना थोड़ी सी चेंजेस आ रहे हैं अमेरिका में क्या चेंजेस आ रहे हैं अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे ऑब्वियसली उनके अंडर ये चीज हुई है अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पर यूएस का यूएस की आर्मी को पुश किया कि वो वियतनाम में जो भी हो रहा है उसमें इंटरवेन करें तो आप यहाँ पर क्या देखते हो यू विल फाइंड दिस थिंग कि एक प्रकार से अब अमेरिका में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उन इलेक्शंस में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी यानी भावी प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूँ उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी और एक तरीके से वो इलेक्शंस को हारेंगे भी अब ये भावी प्रेसिडेंट थे कौन एल बी जे कौन है देखिए भावी प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो उस समय के भावी प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिस समय ये पूरा वॉर चल रहा था उस टाइम पे एंड यू विल फाइंड दिस थिंग कि एक तरीके से देखा जाए तो लोगों का जो कनेक्शन था अपने प्रेसिडेंट के साथ अमेरिकन का ही वो टूटता जा रहा था वो यहाँ पर जॉन एफ कैनेडी को देखने लगे थे कि ये तो हत्यारा है इसने यहाँ पर किसी और कंट्री में जाकर वहाँ के लोग जो हैं वहाँ पर अपनी आर्मी को भेजकर फालतू में इंटरवेन करके सिचुएशन को और ज़्यादा गर्मा दिया तो अब जब इलेक्शंस होंगे और जॉन एफ कैनेडी यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि अमेरिका की जो जनता है वो इनको चुनने नहीं वाली ठीक है ये चीज़ आप यहाँ देखेंगे सो बेसिकली थर्ड फेज इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट यहाँ पर सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से पलटने वाली है सिचुएशन जो है वो चेंज होने वाली है वॉट हैपन अब क्या होने वाला है ओके एम आई ऑडेबल नाउ एवरी वन यस यस तो यहां पर जॉन एफ कैनेडी जो है वो इलेक्शन हारते हैं एंड यू विल फाइंड दिस थिंग की रिचर्ड एम निक्सन जो हैं वो नए प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका के 1968 में नाउ व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट इसको हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए द पॉइंट इज रिचर्ड एम निक्सन जो हैं उन्होंने यहाँ पर बोला कि मैं शांति भी लेकर आऊँगा दुनिया में भी मेरा ये मकसद रहेगा कि मैं इस तरह की कंट्रीज़ जहाँ पर अमेरिकन ट्रूप्स का डायरेक्ट इंटरवेंशन था वहाँ शांति लेकर आऊँगा और ऑनर के साथ पीस विद ऑनर बेसिकली 1968 में रिचर्ड एम निक्सन जो थे जो नए प्रेसिडेंट के तौर पर आए यू विल सी दिस थिंग कि वो क्या करने वाले हैं वो यहाँ यूएस ट्रूप्स को धीरे धीरे करके विड्रॉ करना शुरू करेंगे क्योंकि इसी के बेस पर वो इलेक्शन जीते थे जॉन एफ कैनेडी जो हैं उनके बाद वो यहाँ पर इसी प्रॉमिस के आधार पर इलेक्शन जीते थे कि मैं वादा करता हूँ कि हमारी जो रिस्पेक्ट है हमारी जो डिग्निटी है जो हमने खोई यहाँ पर इतने सारे लोगों की हत्या करके उसको मैं वापस ला कर रहूँगा मैं शांति लाकर रहूँगा और वो भी पूरी रिस्पेक्ट के साथ पूरी इज्जत के साथ दैट इज़ द पॉइंट तो फाइनली यू विल फाइंड दिस थिंग की इन दी अदर वे अमेरिका का इंटरवेंशन जो डायरेक्ट इंटरवेंशन था वियतनाम में वो वियतनाम की स्थिति को बहुत ज़्यादा खराब कर देते तो अमेरिका आ चुका है वो वापस आ चुका है और आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले इफ़ यू रिमेंबर अगर आपने इसको देखा हो दिस पिक्चर इज क्वाइट पॉपुलर ये पिक्चर पिक्चर कुछ दिन पहले आपने अफगानिस्तान में भी देखी होगी ऐसा कुछ एयरलिफ्ट और इसको वियतनाम की स्थिति से जोड़ा जा रहा था कुछ टाइम पहले अफगानिस्तान में जब अमेरिकन ट्रूप्स ने अपने आप को विड्रॉ किया इफ यू रिमेंबर तो इसी प्रकार से एयरलिफ्ट जो है वो किया गया आप देखते हैं यहाँ पे एयरक्राफ्ट के थ्रू ही बहुत सारी जो अमेरिकन जनता थी और बाकी के जो लोग थे उनको वहाँ से निकाला गया ठीक है यस यस एग्जैक्टली जब काबुल और बेसिकली मोस्ट पार्ट ऑफ अफगानिस्तान जो है वो तालिबान के अंडर आया इसको वियतनाम के उसी समय से जोड़ा जा रहा था जब वियतनाम को मदद की जरूरत थी और अमेरिका ने एक बार फिर से वही एयरलिफ्ट किया था अपने ट्रूप्स को विड्रॉ किया था एक्चुअल में अमेरिका उस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहा है जिस समय वियतनाम में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया है बिटवीन नॉर्थ वियतनामीज़ एंड साउथ वियतनामीज़ साउथ वियतनामीज़ जो थे उन्होंने रिचर्ड निक्सन को यहाँ पे अपील की कि सर प्लीज़ हमारी मदद कीजिए हम परेशानी में हैं आप अपने ट्रूप्स को वापस मत लेकर जाइए बट निक्सन ने प्रॉमिस किया था उसी के बेस पर आए होप उसी उसी प्रॉमिस के बेस पर वो इलेक्शन जीते थे एंड ये जो पिक्चर है इट इज वेरी पॉपुलर यहाँ पर भी अमेरिकन ट्रूप्स जो थे उन्होंने ये एयरलिफ्ट के जरिए ही बेसिकली एयरक्राफ्ट के थ्रू अपने सिपाहियों को यहाँ से बाहर निकाला और बहुत से दूसरे वियतनामी डिग्नेट्रीज को तो कहा जाता है कि यूएस ने अबांडन कर दिया था वियतनामीज़ को उस सिविल वॉर में शाइगोन में एम्बेसी थी यूएस की जिसको वो छोड़ दिया था और जो नॉर्थ वियतनामीज़ आप देखते हैं यानी कि जो कम्युनिस्ट आइडियाज़ को फॉलो करने वाले थे वो साउथ वियतनाम में घुस गए और बहुत अफरा तफरी हुई बहुत मारकाट हुई और फाइनली हो ची मिन जो कम्युनिस्ट लीडर थे वो इस सिविल वॉर में जीत गए यानी कि वियतनाम में जो ये सिविल वॉर हुआ है इस सिविल वॉर में कम्युनिस्ट लीडर्स जीत गए और इस तरह से वियतनाम जो है वो कम्युनिस्ट वियतनाम बना कमाल की बात तो ये है कि अगर आप इस मा एक एक छोटी सी चीज मैं आपको दिखाती हूँ ये जो वियतनाम है इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो साउथ वियतनाम में एक सिटी है हो ची मिन नाम से कॉम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो थी वो नॉर्थ वियतनाम में डेवलप हुई थी लेकिन जब कॉम्युनिज्म इस सिविल वॉर में जीत गया तो हो ची मिन ने साउथ वियतनाम में अपने नाम से एक सिटी की। to commemorate the victory of communist leaders. की देखो हम जीत गए और हमने साउथ वियतनाम में भी कॉम्युनिज्म कर दिया तब उन्होंने ये जो सिटी थी इसको हो ची मिन नाम दिया था ठीक है तो ये चीज यहां पर हुई आ, थोड़ा सा पीछे ना खबरों में था ये पर्टिकुलर केस जो है आपका कोल्ड वॉर जो आप वियतनाम में देख रहे हैं आ, ये न्यूज़ में इसी वजह से था क्योंकि यहाँ पर भी इस पर्टिकुलर टाइम पर भी अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो विड्रॉ कर लिए गए थे बाय रिचर्ड एम निक्सन उस टाइम पर जब साउथ वियतनामीज़ या डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ वियतनाम मदद मांग रहे थे अपील कर रहे थे कि प्लीज़ हेल्प कीजिए एड प्रोवाइड कीजिए मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड कीजिए बट इट डिडन है और वो अबांडन करके अपनी एम्बेसी को चले गए थे और उसके बाद वियतनामीज़ ने एक दूसरे के साथ ही युद्ध लड़ा फाइट की और फाइनली कॉम्युनिज्म वियतनाम में जीता तो ये कोल्ड वॉर जो है वैसे तो हमें लग रहा है एक तरीके से देखा जाए तो इसका बेस क्या है आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट ही हैं और ये आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट कोल्ड वॉर कही जा सकते हैं लेकिन इसका जो असर है वो बिल्कुल कोल्ड नहीं है बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको इसमें मरते हुए देखने को मिलेंगे सो दिस फेज थ्री ऑफ वियतनाम फाइनली 1975 में जाके यहाँ पे साउथ वियतनाम के डेमोक्रेटिक लीडर्स पूरी तरह से हारे और आपका वियतनाम कॉम्युनिस्ट वियतनाम बना पूरी तरह से जैसे कोरिया में क्या हुआ था कोरिया में तो चलो उन्होंने कोरिया को दो हिस्सों में बांट लिया नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में कॉम्युनिज्म है साउथ कोरिया में मिक्स्ड इकोनॉमी लेकिन जब हम वियतनाम की बात करते हैं तो पूरा वियतनाम ही कॉम्युनिस्ट बना इस पर्टिकुलर सिविल वॉर के बाद तो ये कोल्ड वॉर के कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि नए नए आज़ाद कंट्रीज जो हैं उनमें देखे गए ठीक है लेम डक मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो निक्सन लेम डक की तरह ही नजर आ रहे हैं यहाँ पे द वन हु प्रोमिस समथिंग बट ही वॉज नॉट एबल टू ऑब्वियसली प्रोवाइड जो भी यहाँ पर कहा गया था ठीक है अगर अमेरिका ने शुरुआत की थी इसकी तो अंत तक साथ रहना था ऐसा वियतनामी इसका मानना है सो दैट इज द पॉइंट तो ये एक केस है इसके अलावा एक और ऐसा केस देखा गया है वर्ल्ड हिस्ट्री में जिसके वजह से बेसिकली कोल्ड वॉर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के वजह से वो केस थोड़ा सा खतरनाक है ख़तरनाक इसीलिए है क्योंकि अगर प्रॉपर मैनर में जल्दी से जल्दी दोनों कंट्रीज़ यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होता तो शायद आप यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक होता देखते लेकिन वो उस न्यूक्लियर अटैक को बचा लिया गया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्यूबा इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर क्राइसिस में लेकिन अगेन ये जो युद्ध है ये जो बैटल थी ये अमेरिका और रशिया के ही बीच में थी और अगर कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं डेवलप होता तो शायद स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि दोनों के हाथ में मिसाइल्स के बटन्स हैं अपने अपने हाथ में और दोनों कह रहे हैं मैं दबा दूंगा मैं दबा दूंगा वो वाली स्थिति थी ठीक है सो बेसिकली यहाँ पर आप क्या देखोगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस लेकिन इस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को हम आज डिस्कस नहीं करेंगे हम हमारे अगले सेशन में कवर करेंगे आज के सेशन में हम इतना ही कवर करेंगे कोल्ड वॉर के बेसिकली uh, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स uh, कोल्ड वॉर का ये पार्ट क्यूबिन मिसाइल क्राइसिस इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसी के बाद नॉन प्रोलीफरेशन जो आपकी ट्रिटी है जो ये एन आएगा जो ट्रिब्यूनल डेवलप होगा ये इसी पर्टिकुलर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद आने वाला है एक्चुअली वर्ल्ड वाज़ वेरी क्लोज टू न्यूक्लियर वॉर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो हम देखने वाले हैं ठीक है तो so, हम देखेंगे एन पी टी स्टार्ट पी टी बी टी ये जितने भी आपके ट्रिब्यूनल्स हैं ट्रिटीज़ हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन से जुड़ी हुई हैं ये सब इसी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद आएंगी सो वील कवर दिस पार्ट इन आर नेक्स्ट सेशन नॉट टुडे और इसके साथ साथ हम चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन भी देखेंगे कि कैसे चाइना में माओ जो हैं वो कॉम्युनिज़म लेकर आते हैं अपने ही स्टाइल में ठीक है सो वील कवर दैट पार्ट सो आज के सेशन में इतना ही और आज के सेशन को खत्म करने से पहले देर इज द स्मॉल लिटिल इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू एंड दैट इज ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वो थोड़ी बहुत जानकारी दे देती हूँ उसके बाद हम इस सेशन को खत्म करेंगे यस yes, यस yes. तो ये एक uh, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए आपने अन अकादमी प्लस पर एक साल या दो साल का सब्सक्रिप्शन देखा होगा लेकिन थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर तक ये एक ऑफ़र चल रहा है जिसमें आप नौ महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इस सब्सक्रिप्शन में कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है यानी कि जीएस कैटेगरी और ऑप्शनल कैटेगरी दोनों को आप सब्सक्राइब कर पाएंगे फोर्टी फाइव में टेन परसेंट डिस्काउंट वैसे ट्वेंटी एट परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है ओवरऑल पेएबल अमाउंट पे, लेकिन टेन परसेंट डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप ए सी एच एल आई वी ई या फिर ए आर टी आई वन सेवन जीरो टू रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं और uh, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कुछ कम मिलेगा अगर नाइन मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं नाइन मंथ्स जो है पूरा आप पढ़ पाएंगे प्लस पे इसके साथ साथ ट्वेंटी बुक्स जो है आ, क्यूरेट की गई है अन अकेडमी के एक्सपर्ट्स के द्वारा यू पी एस सी एक्सपर्ट्स के, के द्वारा वो भी आपको मिलेंगी फिल्म और मेन्स ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी ये सब मिलेगा सो इट्स नॉट समथिंग कि कम दिनों का सब्सक्रिप्शन है तो कुछ ना कुछ कमी होगी इसमें तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक ये पर्टिकुलर ऑफ़र वैलिड है दैट इज़ इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग नेक्स्ट सेशन जो है उसमें मिलते हैं और हमारा जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करते हैं थैंक यू सो मच टेक केयर नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट मंथ नहीं है हम थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को मिलेंगे और इस वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज का आखिरी सेशन होगा वो ठीक है थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को आप उस दिन ज्वाइन कर सकते हैं ओके सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं तब तक